वैसे तो हमारी पृथ्वी प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यों का खजाना है, लेकिन इसके साथ ही यह काफी विचित्र और मजेदार भी है। हमारी धरती पर कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ काफी खतरनाक और रोचक भी हैं। इस अजब गजब पृथ्वी पर एक तरफ लंबी चौड़ी नदियाँ, झरने, झील और खूबसूरत पहाड़ हैं, तो वहीं दूसरी ओर गहरी खाइयाँ हैं। एक तरफ सूखे रेगिस्तान, रेत के टीले हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हरे भरे जंगल हैं। धरती का यही करिश्मा इसे अद्भुत बनाता है, जो कि पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को भी बनाए रखता है। इस वीडियो में हम धरती के सबसे बड़े और रहस्यमय जंगल के बारे में जानेंगे। अमेजन वर्षावन, जो कि पूरे विश्व के वर्षावनों में सबसे बड़ा और खूबसूरत जंगल है। यह प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद काफी खतरनाक और रहस्यमय भी है। अमेजन को वर्षावनों का राजा कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यह विश्व की कुल ऑक्सीजन का 20% हिस्सा अकेला ही उत्पादित करता है। साउथ अमेरिका में लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इस वर्षावन को धरती का दिल कहा जाता है। अमेजन वर्षावन का अस्तित्व लगभग 40 मिलियन सालों से है और ये वर्षावन कुल 9 देशों की सीमाओं तक फैला हुआ है, जिसका अधिकांश भाग लगभग 60% ब्राजील, 13% पेरू में है। अगर हम अमेजन को एक राष्ट्र घोषित कर दें तो यह 10वां सबसे बड़ा राष्ट्र होगा। इतना विशाल और प्राकृतिक खूबियों से भरपूर है ये वर्षावन। अपनी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर अमेजन का यह जंगल धरती के पर्यावरण को स्वच्छ और संतुलित बनाए रखने का महत्वपूर्ण काम करता है। पूरे विश्व में 70% औषधीय पौधे यहाँ मौजूद हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आज भी बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण पौधे हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक खोजें जारी हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। पूरे विश्व में औषधीय भंडार के रूप में जाने जाने वाले इस अमेजन वर्षावन में पेड़ पौधों की लगभग 50,000 प्रजातियां हैं, जो कि बेहद रोचक बात है। अमेजन के खूबसूरत और खौफनाक वर्षावन में लगभग 200 से ज़्यादा प्रजातियों के पक्षी और 25 लाख से ज़्यादा कीड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा इस वर्षावन में जीव जंतुओं की विभिन्न दुर्लभ प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं, जो कि पृथ्वी पर अन्य किसी स्थान पर देखने को नहीं मिलती। वैज्ञानिकों का कहना है कि अमेजन में केवल 1 वर्ग हेक्टेयर जंगल में ही लगभग 450 से भी ज्यादा तरह के पेड़ पौधे मौजूद हैं। साउथ अमेरिका के लगभग 40% हिस्से पर फैला ये वर्षावन अपने हरे भरे प्राकृतिक वातावरण से पृथ्वी के विनाशकारी प्रदूषण के जहर को दबाए हुए पर्यावरण को बचाने का बखूबी काम करता है। यह जंगल कितना गहरा, घना और विशाल होगा, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ की धरती पर सनलाइट का केवल 1% हिस्सा ही पहुँच पाता है और यहाँ के अधिकांश हिस्से में पूरे दिन अंधेरा ही छाया रहता है। वैसे तो अमेजन में निवास करने वाले निवासी अब कस्बों या शहरों में रहते हैं, लेकिन ब्राजील में 240 जनजातियाँ आज भी अमेजन के जंगलों में रहती हैं। इस वर्षावन में कई भाग तो ऐसे हैं जहां आज भी इंसानों का पहुंचना बहुत मुश्किल है। अमेजन वर्षावन बायोडायवर्सिटी का बेशकीमती खजाना है। साउथ अमेरिका के कई देशों से बहकर जाने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी का नाम भी इसी वर्षावन के आधार पर रखा गया है। यह नदी बेहद खूबसूरती के साथ अमेजन वर्षावन के बीच होकर बहती है। अनेकों जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और कीट पतंगों का घर होने के साथ साथ यह वर्षावन मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। न जाने कितने ही औषधीय और आर्थिक रूप से भरपूर ये वर्षावन मानव जीवन के लिए एक वरदान है जो हमें प्रकृति से मिला है। विश्व के कुल वर्षावनों का लगभग 50% हिस्सा होने की वजह से यहाँ पेड़ पौधों का बेशुमार खजाना है। आपको बता दें कि वैसे तो साल भर इस वर्षावन में बारिश होती रहती है, लेकिन वर्ष 2010 में इस वर्षावन में सूखा पड़ी थी, जो कि वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 100 सालों में पड़ी सबसे बड़ी सूखा थी, जिसके लिए पेरू ने 1 अरब रुपए का अनुदान भी दिया था। आज ये वर्षावन काफी बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिसका कारण वनों का अवैध कटाई और ग्लोबल वार्मिंग है, जो कि अमेजन पर्यावरण को ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर समस्त प्राणियों के लिए खतरा है और जिस पर सरकार भी सख्त तरीके से काम कर रही है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे मानव समाज से एक सवाल पूछता हूँ। अगर हम अपनी पूरी जिंदगी में एक पेड़ नहीं लगा सकते तो हमें पेड़ काटने का अधिकार किसने दे दिया? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।